गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस सीजलिंग। आज मैं आपके साथ लेफ्ट ओवर राइस से पुलाव बनाते कैसे उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो लेफ्ट ओवर राइस पुलाव बनाने के लिए हमें सभी गरम मसाले चाहिए, आई मीन होल स्पाइस गरम मसाले चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है एक पैन। पैन में ऐड कर रही हूँ ऑयल। यहाँ पे मैं बस थोड़ा ही ऑयल ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। नेक्स्ट होल गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। एक 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे रख के सॉटे कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़े से पेपर भी ऐड किया है। नेक्स्ट थोड़ी सी ऑनियन, 1/2 कप ऑफ ऑनियन लिया है मैंने। इसे स्मॉल पीसेस में कट करके ऐड किया है। इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज आप आपके स्पाइसी के हिसाब से देख के डालिएगा। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से हरा धनिया, यानी कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से फ्लेवर आएगा इससे, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट करी लीव्स, बस थोड़े से करी लीव्स ऐड कर रही हूँ मैं। इससे भी अच्छे से फ्लेवरफुल बनेगा राइस। सो करी लीव्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ मिंट लीव्स। अच्छे से इसे वॉश करके डालिएगा मिंट लीव्स को। सो यहाँ पे मिंट लीव्स का ही फ्लेवर अच्छे से आएगा पुलाव में, तो इसीलिए मैं मिंट लीव्स का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखा है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी रॉ फ्लेवर जाने तक 1-2 मिनट्स तक हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो हमारा मिंट है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आफ्टर 2 मिनट्स यहाँ पे मैं राइस ले रही हूँ। ये नॉर्मल राइस है, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, या फिर लेफ़्ट ओवर राइस भी ले सकते हैं, या फिर पकाए हुए राइस, फ्रेश राइस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा गरम मसाला या फिर बिरयानी मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बिरयानी मसाला अवेलेबल था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। अच्छे से फ्लेवर आएगा। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट तक इसे पका के सर्व कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट्स में आप इस टेस्टी पुलाव को बना सकते हैं। चिकन करी या फिर कर्ड के साथ खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। सिर्फ 5 मिनट्स में आप इस रेसिपी को लंच या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी।